बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही हेल्दी वीडियो लेके आई हूँ। मतलब अगर आपको शुगर बीपी है या किसी को शुगर बीपी है या आपका ग्रोथ करता हुआ कोई बेबी है या मतलब कोई भी प्रॉब्लम 100 है, सॉल्यूशन 1 है। तो आपको जो मैं अभी दिखा रही हूँ बाजरे का आटा, तो यहाँ पे 4-5 आटे को मिक्स करना है और फिर हमें बनाना है आटा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे आटों की क्वांटिटी ली है और आपको 1 by 1 करके बताती हूँ। तो अभी सर मतलब तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ है, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे लेना है सारे आटे को, आधा आधा किलो के हिसाब से हमें आटा लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बाजरे का आटा। आपको पिसा हुआ आटा मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिया है बाजरे का, जो बाजरा होता है उसका आधा किलो आटा मैंने यहाँ पे लिया है बाजरा का। सारे आटे को मैं आधा आधा किलो ही लूँगी। क्या क्या आटा लेना है 1 by 1 करके दिखा देती हूँ। बाजरे का आटा, उसके बाद ये है जौ का आटा, ये जौ का आटा है, ये भी मैंने आधा किलो लिया है। ये बहुत हेल्दी होता है, हेल्थ के हिसाब से आप इसका हलवा, आप इसकी रोटी, आप इसका चिल्ला, आप इसका मतलब जो चीज़ आपको अच्छा लगे आप वो बना के खा सकते हैं। और ये बहुत हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेन तो ग्रोथ करता हुआ जो बच्चा है, 2-3 साल का 4 साल का अगर आपका बेबी है, तो दिन भर में एक बार इस आटे का बना हुआ कोई भी रेसिपी आप उसको खिला दीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है मक्के का आटा, ये भी आधा किलो है। मैंने बोला ना सारी चीज़ का आटा आपको आधा आधा किलो ही लेना है, मैंने वेट के हिसाब से पहले ही मतलब तौल के मंगवा लिया था। और अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ चने का आटा। चना अगर छिलका सहित पिसा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर छिलका सहित पिसा हुआ चना नहीं है तो आप बेसन भी उसकी जगह पे ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसको बाइंडिंग का काम बहुत अच्छा करता है और चना का आटा भी हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये है मड़वा का आटा, ये मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिला तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेस कर लिया था। अगर आपके यहाँ लोकल मार्केट में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है मड़वा का आटा, इसको भी मैंने आधा किलो ले लिया है। और इसका जो रोटी बनेगा जिसको आपको खाना है, तो आप उसे सालन वगैरह से या ग्रेवी वाली सब्जी से भी खा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसके लिए आप चटनी या चोखा बना के भी खा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको हलवा बनाना है, ये मड़वा का आटा है ना, अगर आपको हलवा बनाना है तो आटा पूरा मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा घी में आटा को भून लीजिए और उसके बाद उसका हलवा बना लीजिए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप शक्कर की जगह नमक का यूज कर सकते हैं, अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो नमक की जगह आप शक्कर यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, शक्कर से या नमक से, तो उसकी जगह में आप उसका अपोजिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, सारे आटे को मिला लिया है। क्या क्या है, जौ है, बाजरा है, मकई है, चना है और मड़ुआ है। 5 चीज़ का आटा मैंने मिलाया, तो ये 2.5 किलो हो गया, आधा आधा किलो के हिसाब से। अब जितना ये होता है उसका जस्ट डबल हमें गेहूँ डालना पड़ता है, तो 2.5 किलो आटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर 2.5 किलो डाल दूँगी गेहूँ का आटा। तो ये 2.5 किलो गेहूँ का आटा भी मेरा वेट किया हुआ है, तो मैं इस 2.5 किलो आटा को भी यहाँ पे डाल दूँगी। अब ये पूरा आटा मिला के मेरा 10 किलो का आटा बन जाएगा। अगर मैं आधा आधा किलो भी एक दिन में यूज करती हूँ या उससे कम यूज करती हूँ, तो मतलब 1 मंथ मेरा ये 10 किलो आटा, 5 किलो आटा 1 मंथ तक आराम से चला जाता है। कभी 20-25 दिन भी जाता है, कभी 1 महीना भी जाता है, कभी उससे भी ज़्यादा जाता है, और कभी कभी 10 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। तो वो यूज करने के ऊपर है। अगर हम सिर्फ रोटियाँ खाते हैं तो आराम से 20-25 दिन जाता है। अगर हम रोटी के साथ साथ कभी हलवा वगैरह, जैसे इसको हल्का सा घी में, जैसे सूजी को भूज के घी में हलवा बनाते हैं ना, ये गेहूँ के आटे का सेम ऐसा ही आपको इसको भी बनाना है। उसे क्या, ये हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर कोई फिट कराती हुई मॉम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई बेबी है 2-3 साल का और उसका ग्रोथ चल रहा है तो आप उसको भी खिला दीजिए, उसके लिए भी अच्छा है। मतलब जौ बाजरा सब तरीके से बहुत बेस्ट होता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसकी एलर्जी नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हेल्थ से मिली हुई हैं, हेल्दी चीज़ें हैं। तो आप अपने बेबी को ये चीज़ को ट्राई करा सकते हैं। आइए मैं इसकी एक रोटी बना के आपको दिखाती हूँ कि आप इसकी रोटी कैसे बना सकते हैं। बाकी जैसे जैसे रेसिपी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पत्ती, हरी मिर्च, प्याज और नमक, और उस आटे को थोड़ा सा ले लिया है, कप के हिसाब से 2 कप आटा था ये। 2 कप आटे में फिर मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और नमक डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसका तीखा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इसकी बनी हुई कोई चटपटी चीज़ है, क्योंकि इसमें सत्तू का भी टेस्ट आता है। और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल डाल दीजिएगा, इससे क्या होता है कि ये हाजमे का काम अच्छा करते हैं, अजवाइन और मंगरेल। तो अजवाइन और मंगरेल डालने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी। पानी ऐड करने के बाद अच्छा खासा इसका डो बना लेंगे, डो बना के रेडी कर लेंगे।
आटा अच्छा सा लगा लेंगे, थोड़ा सा टाइट आटा लगाइएगा। और आप इसको घोल के चिल्ला भी बना सकते हैं ना, अगर आपको चिल्ला खाना है, अगर टाइट रोटी नहीं खाना है। बहुत से लोगों के दांत में प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों के बेबी के दांत अभी कम ग्रोथ किए हुए होते हैं, तो उनको आप गीला रोटी जो चिल्ला होता है ना घोल के बनाते हैं चिल्ला ताई में, आप उसको बना सकते हैं। बट मुझे ये वाली रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये सोनी सोनी लगती है चटनी वगैरह से। मैं तो इसको चाय से भी खाना पसंद करती हूँ, अगर ये रोटी मैं बनाती हूँ तो मैं चाय के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे इसका टेस्ट चाय के साथ अच्छा लगता है, बाकी आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा खासा डो हम इसका तैयार कर लेंगे, और आप चाहें तो इसका हलवा भी बना सकती हैं, मैंने इससे पहले भी बताया। और अगर मैं हलवा बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका हलवा कैसे बनता है। तो यहाँ पर रोटी तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका रोटी कैसे बन के रेडी होता है। आटा थोड़ा सा सख्त लगाइएगा इसका, क्योंकि सख्त आटे की ही मोटी रोटी अच्छी लगती है, वरना जो ढीला आटा रहता है वो सोना नहीं, सोना पकने में बहुत टाइम लग जाता है और उतना सोनापन उसके अंदर नहीं आ पाता है। तो जो पहले के लोग होंगे या जो विलेज वगैरह से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि थोड़ा सख्त आटा लगाने से जो रोटी है उसका सोनापन बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे इसकी रोटियाँ तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसकी रोटी के लिए यहाँ पे ताई में डाल दिए रोटी, अभी मोटी मोटी रोटी धीरे धीरे बनेगी और बहुत सोनी बनेगी, और फिर इसको हम चाय के साथ इन्जॉय करेंगे। आप चाहें तो चटनी के साथ या ग्रेवी वाली कोई सब्जी के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही हेल्दी चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा चैनल को, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए तैयार रहूँगी। और ये इतना हेल्दी नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं, रात के डिनर में भी इस रोटी को यूज कर सकते हैं। और इस रोटी को बनाने के बाद आप खुद कहेंगे कमेंट करके कि बहुत हेल्दी चीज़ है, इससे शुगर लेवल भी बहुत कंट्रोल में रहता है, क्योंकि बार बार आप चावल वगैरह खिला नहीं सकते। और गेहूं का आटा भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प नहीं दे पाता है, क्योंकि गेहूं का आटा खा खा के हमारा मन बोर हो जाता है, और शुगर वालों को गेहूं का आटा खाना ज़रूरी रहता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप उनको बदल बदल के दें तो आपको इस तरीके की बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और अपना प्यार दुआ मेरे लिए बनाए रखिएगा। आपके दुआ और प्यार की वजह से ही मुझे इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने का मौका मिलता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।